हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर बिंदिया कोहली। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि जो आज की डेट में हमारी सोसाइटी में कोविड को लेकर इतना पैनिक क्रिएट हुआ है, उसे मैं थोड़ा सा रिड्यूस कर पाऊँ। कोरोना वायरस एक नॉर्मल वायरस की तरह हमारे एनवायरनमेंट में एंटर किया है, लेकिन उसका मोर्टैलिटी रेट देखने के बाद हम सब इतना डर गए हैं कि शायद जो भी कोई कोरोना वायरस से अफेक्ट होगा तो वो बचेगा नहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये एक वायरल इन्फेक्शन है। हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को ये अफेक्ट करता है और इसके माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर सभी तरह से सिम्टम्स हमारी बॉडी में अपीयर हो सकते हैं। हमें सिर्फ इसे समझना है, जानना है और इससे लड़ने के लिए अपनी बॉडी को पहले से प्रिपेयर करना है। कोरोना वायरस हवा के थ्रू हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर करता है। हमारा पहला मकसद होता है कि ये वायरस हमारी बॉडी में एंटर ही ना करे। उसके लिए हमें डिस्टेंसिंग फॉलो करनी होती है, मास्क पहनना पड़ता है और साबुन से अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करना है। अगर ये सब करने के बावजूद भी ये वायरस हमारी बॉडी में एंटर कर जाए तो हम क्या करें और हम कैसे पहचानें कि वायरस हमारी बॉडी में आया है? इसके लिए हमारे बॉडी में तीन तरह से सिम्टम्स आएंगे। एक माइल्ड सिम्टम्स होंगे, कुछ मॉडरेट आएंगे और कुछ सिवियर सिम्टम्स होते हैं जिस कंडीशन में हमें हॉस्पिटलाइज होना ज़रूरी होता है। माइल्ड सिम्टम्स में हमें सबसे पहले जब वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तब हमारी सांस की नली या हमारे गले में वो इरिटेशन करता है, जिसे हमें गले में खराश होगी, बॉडी एक हो सकता है या हमारा स्मेल और टेस्ट जाने लगता है। ये कोई बहुत ज़्यादा सिवियर सिम्टम्स नहीं है, हम इसे अपने घर के उपचार से, घर के ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं। एंड वी आर ब्लेस्ड कि हम इंडियन कल्चर को बिलोंग करते हैं और हमारे खाने में ही वो सारी चीज़ें हैं जो इस वायरस को इनएक्टिवेट करने में बहुत हद तक सक्सेसफुल हैं। तो हम अपने घर के घरेलू उपचार में, जिसमें हम नज़ला ज़ुकाम का नॉर्मली ट्रीटमेंट करते हैं, वैसे ही फॉलो करें तो ये वायरस काफ़ी हद तक इनएक्टिव हो जाता है। इसके अलावा माइल्ड सिम्टम्स में हल्का बुखार होना एक बहुत कॉमन है, जिसके लिए हम एक बुखार की सिम्टम, बुखार कम करने के लिए एक नॉर्मल सी मेडिसिन खा सकते हैं। सिम्टम मॉडरेट तब कहलाएंगे जब हमें कफ होगा, और कफ दो तरह का हो सकता है, जिसमें हमें कफ प्रोडक्टिव कफ हो या ड्राई कफ हो। अगर ये ड्राई कफ है तो आप कोई भी कफ सिरप लेकर इसे सबसाइड कर सकते हो, शांत कर सकते हो। और अगर ये प्रोडक्टिव कफ है तो आपको इसको कम करने के लिए कफ सिरप के साथ साथ बहुत सारी स्टीम सूंघनी है। कोरोना वायरस हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाता है जब, तो वो 50 डिग्री टेम्परेचर पर वीक हो जाता है और 70 डिग्री टेम्परेचर पर इनएक्टिव हो जाता है। और मेरे हिसाब से गर्म पानी से ज़्यादा स्टीम बहुत इफ़ेक्टिव होगी, क्योंकि स्टीम इज़ 100 डिग्री टेम्परेचर एंड दैट कैन इनएक्टिवेट वायरस अप टू 100% लेवल। तो 70 डिग्री टेम्परेचर बहुत मुश्किल नहीं है हमें स्टीम से। दो दिन में दो से तीन बार अगर हम स्टीम लेंगे तो ये वायरस बहुत जल्दी ख़त्म होने लगेगा, इनएक्टिव होने लगेगा, सिम्टम्स हमारी बॉडी से जाने लगेंगे। लेकिन हमें तब बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, अगर कोई पेशेंट सिवियरली डिजीज है किसी और बीमारी से, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ पेशेंट, किडनी फेलियर पेशेंट, इन पेशेंट में, या एस्थमा का पेशेंट, इन पेशेंट्स में अगर वायरस अफेक्ट करता है या हमें वायरस के सिम्टम्स मिलते हैं तो हमें डॉक्टर की कंसल्ट करना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आप कोई सिम्टम्स होते हैं तो आप होम क्वारंटाइन होके घरेलू उपचार से और एक प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन, जो कि कोविड के लिए डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किया है, उसका फॉलो करके हम उसे घर पर ही अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं। इसके साथ हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अपना ब्लड ऑक्सीजन लेवल। इसके लिए भी आपको डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बहुत सिंपल सा डिवाइस होता है, किसी भी केमिस्ट से आपको मिल जाएगा। उस डिवाइस से आप बार बार अपने बॉडी में ब्लड ऑक्सीजन का लेवल चेक कर सकते हो। ब्लड ऑक्सीजन 98 से 100 डिग्री तक नॉर्मल कंडीशंस में रहता है। लेकिन अगर आप कोरोना से अफेक्ट है और हमारी बॉडी सिवियरली अफेक्ट हो रही है तो ये लेवल 92 से नीचे जाने लगेगा। और इस कंडीशन में हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और हमें हॉस्पिटलाइज होकर ऑक्सीजन लेना पड़ता है। लेकिन उससे पहले अगर हम कंटिन्यूसली होम मेडिकेशन करें या सिंपल ट्रीटमेंट, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं,
होम क्वारंटाइन हो जाते हैं, तो ये वायरस 6 to 14 days के अंदर अंदर इनएक्टिव होने लगेगा, आपकी बॉडी से जाने लगेगा। क्योंकि वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 to 14 days का होता है, 14 days के बाद इसके सिम्टम्स अपने आप कम होने लगेंगे। इसके अलावा इम्यून सिस्टम हमारा इस बीमारी से लड़ने में बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो पहले से ही अपनी डाइट में जिंक कंटेंट का, विटामिन सी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, ताकि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो कि वो इस वायरस को अपने आप उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना पाए और लड़ पाए। तो ये सिस्टम अगर हम फॉलो करते हैं तो वायरस ये हमारी बॉडी के लिए एक नॉर्मल वायरस की तरह आएगा और चला जाएगा, हमें इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो पैनिक सोसाइटी में क्रिएट हो रहा है वो मिसकंसेप्शन है। सो आई रिक्वेस्ट यू, ऑल ऑफ यू प्लीज़ फॉलो एंड डोंट गेट पैनिक। आई प्रे दैट नोबडी विल गेट अफेक्टेड बाय दिस, एंड हूसोएवर इफ बाय चांस गेट अफेक्टेड, प्लीज़ फॉलो द रिजीम एंड स्टे सेफ।